तो कैसे हो आप लोग? आज जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इट्स नाइन मूवमेंट। ये जो ट्रिक है वो ओपनिंग में आती है और ट्रिक फीचर करती है रॉय लोपेस में। तो ये जो फिशिंग पोल ट्रैप है, जो रॉय लोपेस वेरिएशन में आता है, फिशिंग पोल वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले हम फ्री सूडो में दिए गए पज़ल के और चलते हैं। तो ये रहा पज़ल। तो यहाँ पे वाइट टोमो एंड मैट इन थ्री। तो यहाँ पे आप कुछ भी खेलोगे, तो लाइक यहाँ पर आप कुछ भी वेटिंग मूव खेलोगे तो स्टीलमेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किंग को भागने के लिए भी कहाँ पर भी सेफ स्क्वायर नहीं है, और पॉन को पुश करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉन जो है वो पिन है, और ए पॉन भी मूव नहीं हो सकता बिकॉज़ हमारा नाइट जो बैठा है। तो हम यहाँ पे क्या खेले? अगर आप वीडियो को पॉज करो और अभी तक इस पजल को सॉल्व नहीं किया तो अभी तो ट्राई कर लीजिए। तो रेडी, यहाँ पर फोर्स मूव हमें खेलना है, बिशप टू एफ सिक्स, डन टन। हम यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं कि पॉन कैप्चर बिशप आ जाए, क्योंकि अब हम पॉन किंग कैप्चर पॉन नहीं करेंगे बिकॉज हम खेल गए तो स्टीलमेट हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं किंग का, ब्लैक किंग का पोजिशन फंस गया है पूरा। तो हम खेलेंगे किंग टू एफ एट। यहाँ पे अब जो हम ब्लैक किंग का सेफ स्क्वायर जो है वो हमें बंद कर दिया है, तो हमें ब्लैक को भी लीगल मूव भी दे रहे हैं पॉन को पुश करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं? नाइट टू एफ सेवन इज जस्ट चेकमेट। आप देख रहे हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल चेकमेट विद द नाइट। तो खैर, चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। मैं जो आज ट्रिक दिखा रहा हूँ वो ब्लैक साइड से भी खेला जा सकता है और व्हाइट से भी खेला जा सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट निकलता है ई फोर, आपको खेलना है ई फाइव, नाइट एफ थ्री एंड नाइट टू सी सिक्स। इट्स नोन एज अ रॉयल लोपेज़ वेरिएशन। तो यहाँ पे रॉयल लोपेज़ वेरिएशन तब आता है जब बिशप टू बी फाइव। यहाँ पर मेन आइडिया है ब्लैक का, वाइट का सॉरी। यहाँ पे वाइट इस नाइट को कैप्चर करके इस पॉन को विन करने की ट्राई करता है, बट जो है वो एक्चुअली अभी जो है वो नहीं हो सकता बिकॉज वो राइट टाइम में यहाँ पे इस पॉन को विन होने की सोचता है, क्योंकि अब बिशप कैप्चर, हम अभी बिशप को लाइक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हम बिशप पर अटैक करता है तो बिशप कैप्चर नाइट, पॉन कैप्चर बिशप के बाद इमिडिएटली इस पॉन को वाइट ने नहीं मार सकता, क्योंकि अब हम खेल सकते हैं क्वीन टू डी फोर। यहाँ पे पॉन पे और नाइट पे भी दोनों पर अटैक एट अ टाइम अटैक कर रहे हैं, तो नाइट को बैक जाना पड़ेगा। इस केस में वाइट का जो है वो सेंट्रल पॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे रियल थ्रेट ये नहीं है कि बिशप कैप्चर नाइट अभी नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम खेलेंगे नाइट टू एफ सिक्स। यहाँ पर वाइट ने कैसल कर लेता है। अब हमें खेलना है द ट्रैप, नाइट टू जी फोर इज द मेन ट्रैप। अब लॉजिकल मूव है कि वाइट साइड से उस नाइट को किक करना है, अदरवाइज किक नहीं करते हो तो अदरवाइज एक मूव और खेला जा सकता है, रुक टू ई वन। तो उस वेरिएशन को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर नाइट को किक करता है तो हमारा नाइट जो है वो हमें बैक नहीं लेना है, तो हमें खेलना है एच फाइव। अगर यहाँ पे वाइट ने बहुत ग्रीडी है, आपका फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, वेरिएशन बहुत ही अच्छा है और आपके फ्रेंड्स तंग हो जाएंगे ये वेरिएशन खेलने के बाद और आपको जीनियस समझेंगे। तो यहाँ पे पॉन कैप्चर नाइट आता है, हम क्या कर लेंगे? पॉन कैप्चर पॉन, यहाँ पे हम एच फाइल ओपन कर रहे हैं, अब इसका बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे अब इमिडिएटली क्या हो गया? नाइट पर अटैक। तो नाइट को, नाइट जाने के लिए ये सब स्क्वायर अवेलेबल है, पर नाइट कहाँ पर भी मूव करे डज नॉट मैटर। हमें खेलना है क्वीन टू एच फोर। अब हमारा थ्रेट है कि क्वीन कैप्चर नाइट इज द चेकरमेंट। तो यहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कोई भी अच्छी मूव नहीं है वाइट के पास, तो उसको खेलना पड़ेगा जी थ्री, सॉरी एफ थ्री, या तो एफ फोर खेलना पड़ेगा, लेट्स से एफ फोर। तो हमें खेलना है इमिडिएटली, आप क्वीन कैप्चर नाइट खेलते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें खेलना है जी थ्री। तो यहाँ पर जी थ्री के बाद क्या हुआ कि किंग जो एस्केप होने का जगह था यहाँ पे एफ टू पे वो भी ब्लॉक हो चुका है। वाइट के पास कोई भी मूव नहीं है, अब किसी भी तरह से गेम को बचा नहीं सकता, उसको क्वीन दे देनी पड़ेगी। उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे चेकरमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाओगे।
तो ये रहा आज की ट्रिक। और इसके बाद और एक वेरिएशन है, और यहाँ पे नाइट टू एच फोर के बाद, अब सॉरी नाइट टू एच फोर के बाद अब यहाँ पे वाइट जो है वो नाइट को किक नहीं करता बल्कि खेलता है रुक टू ई वन। तो यहाँ पे सेंट्रल पॉन पर डिफेंड करता है वाइट ने, तो हम अब खेल सकते हैं बिशप टू सी फाइव। यहाँ पर हम दो दो बार अटैक कर रहे हैं इस पॉन पर, एफ टू पॉन पर। अब उसको ये थ्रेट मीट करना है कि हम दो बार अटैक कर रहे हैं एफ टू पर। तो लेट्स से अगर वाइट नहीं खेलता है डी फोर, हम खेल सकते हैं नाइट कैप्चर डी फोर। नाइट कैप्चर नाइट के बाद हम इस नाइट को नहीं मारेंगे, इस नाइट अटैक्ड है ट्वाइस, दो बार अटैक है, बट उस नाइट को हम नहीं मारेंगे। हम अब इन बिटवीन मूव खेल सकते हैं विथ क्वीन टू एच फोर। हम दो अटैक कर रहे हैं, दो थ्रेट है हमारे पास, क्वीन कैप्चर एफ टू एंड क्वीन कैप्चर एच टू। तो यहाँ पर नाइट पर भी अटैक है, तो वाइट ने ऑब्वियसली यही नाइट को बैक लेगा क्योंकि उसका जो एच टू स्क्वायर जो है वो भी सेफ हो जाएगा। अब हमें खेलना है क्वीन कैप्चर एफ टू चेक। सो यहाँ पर किंग को जाने के लिए एक ही मूव है, किंग टू एच वन। अब आपको वीडियो पोस्ट करना है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो स्मूदर मेट के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आपको स्मूदर मेट फॉसू करना है, तो यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करो और विनिंग मूव फाइंड करो। तो रेडी, यहाँ पर अब आ सकता है ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, ब्रिलियंट क्वीन सेक्रीफाइस क्वीन टू जी वन। अगर यहाँ पे नो मैटर कि वाइट ने हमारा क्वीन नाइट से मारे या तो रुक से मारे, तो किसी भी वेरिएशन में नाइट टू एफ सेवन, नाइट टू एफ टू इज चेकमेट। तो ये रहा दोस्तों ट्रिक, और वाइट जो है इस ट्रिक में नहीं फंसता है तो भी ब्लैक का पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ब्लैक का पोजीशन जो है वो सॉलिड ही रहेगा। तो आप यहाँ पे वाइट साइड से भी ये ट्रिक खेल सकते हो विथ नाइट टू जी फोर। नाइट टू जी फोर तभी खेल तभी ये ट्रिक पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे ब्लैक ने कैसल कर लिया हो, तो आप नाइट सेक्रीफाइस दे सकते हो। तो अगेन इस नाइट पर अटैक होता है, तो उस नाइट को आप वापस नहीं लेना है बल्कि आपको खेलना है एच फोर। इस एच फाइल को ओपन करना है और क्वीन को एच फाइव स्क्वायर में स्विच करना है, और आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आज की पज़ल की ओर चलते हैं, तो ये रहा टुडेज़ पज़ल। तो आपको यहाँ पर मेट इन थ्री है, आपको फर्स्ट मूव फाइंड करना है, और थ्री मूव से ज़्यादा आपको नहीं लेना है चेकमेट करने में। तो कैसे करोगे थ्री मूव मेट? मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर कर लीजिए, और इस मेरे इस चैनल को और चेस लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा स्मूदर मेट का जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।